हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको घर पे लगाई हुई सब्जियों को दिखाऊं। तो आज मैं आपको जो घर पे लगाई हुई हैं मैंने सब्जियां वो दिखाता हूं आपको, क्या क्या सब्जियां लगी हुई हैं और कैसे, जो बिना किसी खाद के, किसी यूरिया के तैयार की हुई हैं, कोई फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ नहीं यूज किया हुआ। तो आज चलते हैं हम सब्जियों की ओर और आपको मैं दिखाता हूँ। देखते हैं यहाँ पे है लगे हुए कद्दू या नहीं। ये लगता है साइड चेक करो, ये होती है देसी भिंडी। ये हमारे घर की अपनी देसी भिंडी जो खुद बीज तैयार करते हैं। ऐसे भिंडी नहीं देखी होगी आपने, तो काफी लंबी हो गई है, कुछ भी नहीं लग कर यहाँ देख खराब हो गया। ऐसी भिंडिया बना कहीं देखी तो बताना। कलर बहुत प्यारा है इसका, बनती बहुत टेस्टी है। ये लगी हुई फ्रांस बीन, ये सब घर की सब्जियाँ हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोग सभी ये खाते हैं अपनी प्यार की सब्जी, मार्केट से कम ही खरीदते हैं यहाँ पे अपने ही प्यार की सब्जी। अभी हमें ढूंढने पड़ेगी कि कहीं पे कुछ लगा या नहीं लगा है। ये है कद्दू का फूल, कद्दू का फूल है, ये कद्दू की है। इसमें देखते हैं कहीं लगा है या नहीं लगा है। ये देखिए जैसे ये लगा है फूल से वैसे देखिए आगे। तो इसमें जो लगने लगे हैं, बरसात का मौसम है ना, तभी लगने लगे हैं इसमें। ये हमारी खीरे की बेल, इसमें भी ढूंढना पड़ेगा कहीं लगा ही नहीं लगा, देखना पड़ेगा। ये आ गई हमारी मिर्ची लगी हुई,
शिमला मिर्च का पौधा होगा और ये अरबी के पत्ते। ये लगाई हुई है मक्का छल्ली। यहाँ पे इस बारिश में बारिश हुई पूछो मत। ये भी कद्दू की बेल है। ये देखिए बारिश से तबाही, ये गिर गया हमारा। इतनी ज़ोर से बारिश हुई इस बार यहाँ पे। यहाँ ढूंढते हैं कुछ मिलता है तो। सर्च करना पड़ेगा कहाँ कहाँ लगी हुई है। ये देखो एक तो ये लगी हुई है लेकिन अब पक चुकी है। एक वो है, ये देखिए लगी हुई है। अब इसमें वो भी लगी हुई है, देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ। ये तो पक चुकी है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें देखना पड़ेगा कहीं और लगी होंगी। अभी दिखाता हूँ आपको भिंडी, देसी भिंडी। देखिए देसी भिंडी लंबाई देखो इसकी कितनी है। देखो ये देसी भिंडी। ये घिया की बेल है। ये इसमें भी चेक करना पड़ेगा कहीं लगे हैं या नहीं लगे हैं। एक तो मुझे दिख रहा है लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है। दिखा आपको कहीं और भी लगे होंगे। ये सब बिना यूरिया खाद के तैयार किए हुए हैं। ये देखिए छोटा सा ये लगा है। ऐसे ही पता नहीं कितने सारे लगे होंगे। जितने डीपली सर्च करेंगे उतने मिल जाएंगे। बरसात ने देखो कैसी तबाही मचाई हुई इस बार। दबा के बारिश हो रही है, नुकसान भी बहुत हो रहा है। चलो चलते हैं आगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ करेले। ये जो आपको बेल इधर दिखाई दे रही है ये भी सब चुकी है लेकिन इसमें अभी नहीं लगेगी। इसमें लगती है सब्जियों में, ये सब्जियों में लगती है इसमें सब्जी।
दिखाऊंगा जब लगेगी ना, उस टाइम दिखाऊंगा आपको। फिलहाल तो अभी करेले लगे हुए हैं, घिया लगा हुआ है, भिंडी लगी हुई है, कद्दू लगा हुआ है, ये तुलसी का पौधा भी लगा हुआ है। एक ही कद्दू 10 से 15 kg का, एक छोटा पुदीना लगा हुआ है, चारों तरफ ये यही है जहाँ तक मिल जाएगी आपकी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लगा हुआ कोई खीरा वगैरह, वो देखो एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये होता है जीबीकंद का पौधा, जीबीकंद। तो इसको नीचे से उखाड़ना पड़ता है, जमीन से निकालना पड़ता है, जो निकलता है इतना बड़ा सा मिट्टी के जैसा लगता है उसका पौधा ये। तो ये जमीन के अंदर होता है, जब ये सूख जाएंगी इसकी पीली पड़ के नीचे गिर जाएंगी तब उखाड़ा जाता है इसको। तो इसके नीचे से निकलती है 3-4 किलो सब्जी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। ये है अपना मक्का का खेत, अभी लगना स्टार्ट हुई इसमें। देसी भिंडी सारा मक्का का खेत, ये देखो करेले तो हमने दबा के लगा रखे हैं। बहुत सारे करेले लगा रखे हैं।